नेताजी अमर रहे, नेताजी अमर रहे। आप सब लोगों का धन्यवाद। आज शरद जी भी हम लोगों के साथ उपस्थित हैं। ज्यादा कुछ आज हम कहेंगे नहीं, लेकिन आप सब लोगों को पता है कि ये जो कार्यक्रम था पहले से ही प्रस्तावित था कि दिल्ली में इस बार नेशनल एग्जीक्यूटिव की, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के साथ साथ खुला अधिवेशन भी दिल्ली होगा। और दिल्ली करने का ये मकसद है कि पूरे देश के जितने भी राष्ट्रीय जनता दल के हमारे कार्यकर्ता हैं, वो एक जगह, जो देश की राजधानी जो दिल्ली है, जहाँ से सियासत चलती है और दिल्ली में हुकूमत करने वाले लोग जो यहाँ बैठते हैं और जो मौजूदा हुकूमत करने वाले जो लोग हैं, जिस प्रकार से देश को और संविधान को, देश के लोकतंत्र को तबाह करने में लगे हैं, इसलिए आज राष्ट्रीय जनता दल के हर एक कार्यकर्ता की जिम्मेवारी है कि देश के संविधान को बचाने का काम करे, देश के लोकतंत्र को बचाने का काम करे। और ये आने वाला जो 2024 का जो चुनौती है, हम लोग दिल्ली इसलिए आए हैं कि हम लोग ताल कटोरा में ताल ठोकने के लिए आए हैं कि हम चुनौती को स्वीकार करते हैं। और पूरे देश में जिस प्रकार से भाजपा के लोग लगे हुए थे, जितने भी विपक्षी दलों की सरकार थी, क्षेत्रीय दलों की सरकार थी राज्यों में, वहां तोड़ने में लोग लगे हुए थे, खरीद फरोख करके, डरा धमका करके सरकार गिराने में लगे हुए थे। लेकिन हम आदरणीय लालू जी का हम धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने जो फैसला किया, आज जो देश में भाजपा जो औरों को गिरा रही थी दूसरे राज्य में, लेकिन बिहार की धरती में लालू जी ने भाजपा को बाहर करने का काम किया, गिराने का काम किया। आज बिहार में आप देखिएगा, महागठबंधन की सरकार है, 7 दल महागठबंधन में एक साथ हैं, अकेले भाजपा जो है पीछे रह गई है। और ये हम लोगों का प्रयास है दिल्ली आकर के, जितने भी हमारे विपक्षी दल हैं या क्षेत्रीय दल हैं, जो चाहते हैं कि भाजपा को सरकार से हटाएं, आज देखिएगा बिहार में जो हुआ, सब लोगों में एक उम्मीद, एक आशा पैदा हुई है। और देश के लोग कह रहे हैं, सभी विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि अगर बिहार ने करके दिखाया है तो देश भी करके दिखा सकता है। तो हम लोग सब लोगों का प्रयास है। आदरणीय राष्ट्राध्यक्ष लालू जी, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी लगातार इस प्रयास में हैं। हम लोगों ने महागठबंधन करके दिखाया, भाजपा को भगाया, देश में सभी विपक्षी दलों के नेता से मुलाकात कर रहे हैं। हम लोगों की कोशिश होगी कि सब लोग एक प्लेटफॉर्म पर आएं, एक साथ आएं, अपने अपने ईगो को छोड़ें। ये व्यक्तिगत स्वार्थ की बात नहीं है, ये एक बड़ी लड़ाई है। देश को बचाना है तो साथ आना होगा, साथ मिलकर के लड़ना होगा। और हम लोगों ने महागठबंधन बनाया, कोई एक दल नहीं है, 7 दलें हैं। हम आप सब लोगों को कहना चाहते हैं कि आप लोग सब लोग इसी एकता के साथ, इसी गोलबंदी के साथ आप लोग रहने का काम कीजिए। कहीं किसी के भटकावे में, भ्रम की स्थिति में आने की जरूरत नहीं है। बहुत साजिशें चली जाएंगी, बहुत षड्यंत्र होगा, लेकिन हम लोगों को उसका जवाब देना होगा, एक रह करके जवाब देना होगा। और आप लोग तो सब लोग जानते हैं कि बताइए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी
75 साल बाद कोई चाय के दुकान से प्रधानमंत्री बन गया। 75 साल में चाय के दुकान से देश के प्रधानमंत्री बन गए, लेकिन इन मोदी जी के 8 साल में, मोदी जी के इन 8 साल में MBA किया हुआ लड़का, इंजीनियरिंग किया हुआ लड़का चाय की दुकान पे पहुंच गया, पकौड़ा के दुकान पे पहुंच गया। क्या फर्क है? आप तो आप सब लोगों को हम इतना ही कहना चाहते हैं, हम आदरणीय लालू जी को धन्यवाद देते हैं कि 2014 में इन्होंने कहा था लोगों से कि देश टूटेगा या एक रहेगा, ये आपको फैसला करना है। आप देख लीजिए आज 8 सालों में देश बर्बाद हो रहा है, देश के संपत्तियों को बेचा जा रहा है, देश के संविधान के जगह RSS का एजेंडा लागू करने का प्रयास किया जा रहा, किसान मजदूर नौजवान सब लोग परेशान हैं, महंगाई की मार। यही लोग ना गाना गाता था भाजपा वाला लोग कि महंगाई डाइन खाई जात है, आज डाइन नहीं भौजाई हो गई है। तो इसलिए आप सब लोगों को, ये लोग जो छलिया लोग हैं, जो कपटी लोग हैं, ये लोग केवल और केवल धोखा देने का काम करते हैं, वोट की राजनीति करते हैं, इनको देश के लोगों की सेवा से कोई मतलब नहीं, इनको गरीबों से कोई मतलब नहीं। आज बताइए एक भाजपा का MP कौन से डिजाइन में लोग लगा हुआ है? एक भाजपा का एक MP है दिल्ली का, वो ज्ञान बांट रहा था कि अल्पसंख्यक जितने हैं, मुसलमान जितने हैं, जो रेड़ी पे फल बेचते हैं, जो गुमटी में दुकान खोलते हैं, वहां से कोई खरीदी मत करो हिंदू भाइयों, कोई उनसे खरीद मत करो। बताइए क्या सोच है भाई? जरा उस सांसद को बता दीजिए, इन भाजपा वालों को, कि जितना डीजल पेट्रोल आता सब मुसलमानी कंट्री से आता है, तो क्या डीजल और पेट्रोल लेना बंद कर देंगे क्या? और कितने मुसलमान देश में, आप देखिएगा कि कितनी बड़ी आबादी हमारे देश के लोगों की है जो विदेश जाके रोजी रोटी करते हैं। अगर वहां भी ऐसा हाल होगा तो एक झटके में करोड़ों लोग जो है रोड पर आ जाएंगे हमारे देश के लोग। आज यही भाजपा की ऐसी सोच है जिसके वजह से हमारी आर्थिक स्थिति देश का गड़बड़ा गया, चौपट हो रखा है। मोदी जी कहते थे ना कि ऐसा नहीं होता, मुख्यमंत्री थे तो बोलते थे ऐसा नहीं होता है दोस्तों कि रुपया कमजोर हो जाए। हमने भी शासन किया, हमें पता है। अब 8 साल में बता दीजिए रुपया सबसे महंगा हो गया, सबसे मतलब नीचे गिर गया, डॉलर जो हो गया 82 रुपए हो गया, मतलब एक डॉलर पर आपको 82 रुपए देना होगा। पहले क्या था, 50 रुपया होता था, 60 रुपया होता था, तो मोदी जी को षड्यंत्र लगता था। अब जब 82 रुपया हो गया है डॉलर का, तो आज क्या हाल है भाई? 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, 15-15 लाख रुपए खाते में देंगे, स्मार्ट सिटी बनाएंगे, एक वादा जो है पूरा ही नहीं हुआ। इसलिए इन लोगों का हिडन एजेंडा है। जब मुद्दे की बात करोगे, बेरोजगारी की बात करोगे, महंगाई के बारे में बात करोगे, भाईचारे के बारे में बात करोगे, किसान के बारे में बात करोगे, शिक्षा के बारे में बात करोगे, चिकित्सा के बारे में बात करोगे, देश की सुरक्षा के बारे में बात करोगे, तो ये लोग अपना वही एजेंडा, जो पुराना इनका जो फॉर्मूला है वही लेकर के आ जाएंगे। हिंदू मुसलमान झंझट पैदा करो, आपस में लड़ा दो और फूट डालो और राज करो कि नीति से ये लोग जो है अपना काम कर रहे हैं। इसलिए आप लोग जितने साथी यहाँ आए हैं देश भर से, आप लोगों के कंधे पे एक बड़ी जिम्मेवारी है, भाईचारा को कायम रखना है, जो भड़काने का काम करेगा उसको भी सबक सिखाना है। इसलिए हम लोग गांधी जी, लोहिया जी, कर्पूरी जी, JP जी के मानने वाले लोग हैं, अंबेडकर जी के मानने वाले लोग हैं, उनके विचारधारा पे चलने वाले लोग हैं। इसलिए अगर
कट्टरपंथ का कोई जवाब दे सकता है तो वो समाजवाद ही दे सकता है। और आप समझिए, इन लोगों का बहुत एजेंडा है, तो हम ज्यादा कुछ ना कहेंगे, आप लोगों से इतना ही कहेंगे कि आप लोग सब लोग गोलबंद रहिएगा, कहीं घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन कभी कभी आप लोग एक बात समझ जाइए, हमारा पार्टी है महागठबंधन है, कभी कभी हम सब लोगों को जो बड़ा मकसद है, बड़ी जो लड़ाई है, उसको हम लोगों को देखना है। अगर क्षेत्रीय दल आपस में ही लड़ते रहेंगे तो सबसे बड़ा बेवकूफीपन होगा। इसलिए क्षेत्रीय दलों को, हम सब लोगों को एकजुट रहना है। और कोई हम में से अगर कोई एक साथी हमारे दल का अगर कोई कुछ बोलता है जिससे भाजपा को फायदा होगा, तो उनको हम बता देना चाहते हैं कि एक ऐसा होना चाहिए, आज या तो आप भाजपा की तरफ रहिए या भाजपा के विरोध में रहिए। ये दोनों जगह रह करके काम होने वाला नहीं है। इसलिए आप सब लोगों को हम ये बताना चाहते हैं, एकजुट रहना है। तो 24 के लिए आप लोग तैयार हैं कि नहीं है? हाथ उठा करके सब लोग बताइए, 24 के लिए तैयार है कि नहीं? और हम लोग जीतेंगे। हम तो पहले बोले थे ना, करे के बा जीते के बा, करे के बा लड़े के बा जीते के बा। तो आप सब लोगों का ऐसे ही सहयोग मिलता रहे। हम लोग जल्दी नई जो सरकार बनी है, कई लाखों में हम लोग नौकरियां देने जा रहे, सरकारी नौकरी देने जा रहे, पूरे सिस्टम को हम लोग सुधारने जा रहे। इसलिए आप सब लोग से यही प्रार्थना है, लेकिन जितना जब तक आप संगठन को मजबूत नहीं करोगे, जब तक आप बूथ पे नहीं जाइएगा, जब तक छोटे जातियों को, चाहे अति पिछड़े समाज के हो, दलित समाज के हो, उनको जब तक सीने से नहीं लगाइएगा, तब तक आप अपने मकसद को हासिल नहीं कर सकते। अनुशासन में रह करके आप सब लोग, इस बात को हम आप सब लोगों से हाथ जोड़ करके अपील करेंगे, एक काम मेरा माना हुआ कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा? सही में बताइए, कहीं भी जाइएगा तो कबीर का दुआ ना, झुकने में बुराई नहीं है। अगर छोटी जातियों के यहां जाइएगा, टोलों में जाओगे, गांव में जाओगे, अति पिछड़ा जो कमजोर वर्ग है, जो बैक बेंचर ऑफ द सोसाइटी है, जो समाज के अंतिम पैदान पे जो गरीब रहता है, आपको उसकी रक्षा भी करना है। सुख दुख का भागीदार बनिएगा कि नहीं बनिएगा? लेकिन अपना स्वभाव में भी जो है बदलाव लाने की जरूरत है। तो कोई बड़ा काम तो है नहीं, अगर छोटे जो कमजोर वर्ग हैं उनको अगर मुख्य धारा में लाना है तो आप लोगों के बिना नहीं हो सकता। मुख्य धारा में लाना है कि नहीं लाना? तो अपने स्वभाव में हम सब लोग परिवर्तन लाएंगे कि नहीं लाएंगे? बदलाव लाएंगे कि नहीं लाएंगे? कोई नफरत ईर्ष्या नहीं, कोई भेदभाव नहीं, सबको साथ लेकर के चलेंगे। और ये हमारी देश की पहली ऐसी पार्टी है जहां राष्ट्राध्यक्ष जी ने पार्टी के संगठन में आरक्षण लागू करने का काम किया। और यही नहीं, हम लोग सब लोग जो हैं इस काम को हम लोग करें जो 90 में हम लोग किया करते थे। 90 में हम लोग कितने लोगों के साथ थे, सभी समाज के लोग। और ये पार्टी तो A to Z की पार्टी है ना, चाहे पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, अल्पसंख्यक हो, चाहे कोई धर्म के हो, कोई वर्ग के हो, या प्रगतिशील वर्ग के लोग हो, ये पार्टी सबों की पार्टी है, A to Z की पार्टी है। और इससे भाजपा वाले लोग को बहुत दिक्कत होता है। अब तो स्वर्ण जाति के लोग खुल करके मुद्दे की बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं भाजपा जो है BJP का मतलब बड़का झूठा पार्टी है। सब लोग अब जो है बेरोजगारी पे बात कर रहे हैं,
और बिहार चुनाव में 2020 के चुनाव में सभी लोगों का हमको साथ मिला, चाहे अपर कास्ट हो, बैकवर्ड हो, सब लोगों का, दलित हो, सब लोगों ने साथ दिया। इसलिए साथ दिया कि आप सही मुद्दे की लड़ाई लड़ रहे थे। तो आज ज्यादा कुछ ना कहते हुए, आज ऐसा हुआ जो हम लोगों ने कल्पना नहीं किया था कि आज के दिन ही जो है नेताजी हमारे बीच में नहीं रहेंगे। तो आज श्रद्धांजलि तो हम लोगों ने अर्पित किया ही है। तो हम ज्यादा कुछ ना कहते हुए आप लोगों को पुनः बधाई देने का काम करते हैं कि यहाँ आया हुआ एक एक आदमी बुला अपने खर्चे पर आया, अपने लोग जो है खुद पहुंचा। ये बीजेपी वाला जैसा नहीं है कि उठा उठा के ले जा रहा है, फुसला के ले जा रहा है, बोलता है भाजपा वाला चलो रैली में मोदी जी से इंदिरा आवास दिला देंगे, बीपीएल कार्ड बनवा देंगे। तो ये सब वाली पार्टी नहीं, ये लालू जी की लोकप्रियता है देश भर में, उस वजह से ये सब चीज हो रहा है। हम लोगों को कल्पना नहीं। तो इसलिए आप सब लोगों को हम यहाँ स्वागत करते हैं, आप लोगों का अभिनंदन करते हैं और अपनी बात को यही समाप्त करते हैं और श्रद्धा के सुमन फिर से नेताजी के चरणों पर हम गिराते हुए अपनी बात को खत्म करते हुए जय हिंद, जय बिहार, जय राष्ट्रीय जनता दल।